आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं है।